जिस चीज की जरूरत कल थी वो आज है। ये देखिए मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, लग रहा है बस थोड़ी देर में बारिश वारिश होगा। बादल भी गरज रहे हैं, हवा तेज चल रही है, मस्त एकदम परफेक्ट वेदर है बीच के लिए। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल के लिए कि कल ऐसा वेदर होगा, लेकिन कल तो धूप थी, बहुत गर्मी थी, कल ऐसा था नहीं। अब आज हम लोग को निकलना है, आज वेदर बहुत बढ़िया हो गया है। खैर ठीक है, आज हम लोग दर्शन करने जाएंगे तो कम से कम लाइन लगेंगे तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, टाइम आराम से पास हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम जाएंगे जगन्नाथ मंदिर जो चारों धाम में से एक धाम है। तो अभी हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है, 8 बजे का चेकआउट टाइम था लेकिन अभी लेट हो गया और रेडी हो रही है स्मृति, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से जगन्नाथ टेम्पल। फिर जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करके जो भी टाइम लगेगा वहाँ पे, अभी टाइम का तो वहाँ पे नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा, फिर वहाँ दर्शन करके हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे अपने रांची के लिए। 7-8 घंटे की राइड रहेगी हम लोग की। कल हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि परसों से हम लोग सोए नहीं थे, गाड़ी चला रहे थे, कंटिन्यूअस गाड़ी चला रहे थे, अनप्लान्ड गाड़ी चला रहे थे, फिर होटल नहीं मिला, फिर उसके लिए दौड़ भाग इधर उधर करते करते बहुत ज्यादा थक गए थे हम लोग। खाना खाने का भी मन नहीं किया था, खाना लेकर के तो आए थे, थोड़ा बहुत खाए फिर खा के हम लोग सो गए। आज मॉर्निंग का प्लान था कि सुबह उठ करके नीचे पूल में जाएंगे, फिर से थोड़ा सा पूल में जाकर के खेलेंगे हम लोग, लेकिन सुबह नींद ही नहीं खुली, 3-4 अलार्म लगा हुआ था, लेकिन जब होटल का फोन आया नीचे थे ऐसे कि आप लोग कब तक चेकआउट करेंगे, तब जाके फिर हम लोग की नींद टूटी और हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी होकर के अब निकल रहे हैं। अभी भी आपको देखिए हम लोग का आँख देख के लगेगा कि ऐसे थकावट अभी आँख में भरी हुई है। अपनी आँख दिखाओ, तुम्हारी आँख से तो कहीं नहीं लग रहा है, आँख के अंदर भी मेकअप किया क्या? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग चारों धाम में से एक धाम जा रहे हैं, तो इसके लिए मेरे पास एक भी कपड़े नहीं थे, क्योंकि हमारा प्लान था मंदारमनी जाने का। तो कल मैंने जल्दी से कुर्ती ली है, आज पहनी है, और मेरे पास बाकी कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। ऐसा लगता है भगवान ने हमें खुद बुलाया था, क्योंकि रांची के जब हम लोग जगन्नाथ मंदिर गए थे तो हमें दर्शन नहीं हुए थे, मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन क्या पता था कि हम जगन्नाथपुरी आएंगे उनके दर्शन करने, इसलिए शायद वो मंदिर भी उस दिन बंद था। तो अभी हम लोग होटल से चेकआउट करके निकले हैं जगन्नाथ टेम्पल के लिए, और रत्नेश अभी चला रहा है गाड़ी, और अभी दिन का स्टार्ट करते हैं हम लोग एक कप चाय से। क्यों भाई चाय पी करके रखते हैं सर, चाय पीना है ना सबको? ठीक है, चाय पी करके फिर हम लोग, आज का दिन तो अच्छा है, आपको दिखाया वेदर अच्छा है आज। हमारा होटल पूरी सी बीच पे ही था और अब हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर है ना, एक तीन किलोमीटर के अप्रॉक्स है, 15-20 मिनट लगेगा हम लोग को वहाँ पहुँचने में। ये देखिए पुरी के अंदर का पुरी सिटी। आ चुके हैं जगन्नाथ पुरी की गवर्नमेंट पार्किंग में, जहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे बस के थ्रू। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस बस मिल सकती है जो आपको सीधा मंदिर तक पहुँचाएगी। इसका किराया है 10 रुपये पर पर्सन, जिससे आप यहाँ से जा सकते हैं और वही टिकट दिखा के दोबारा आप मंदिर से स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे ज़रूरतमंदों के लिए भी काफ़ी अच्छी सर्विस है। ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आपको सीधा मंदिर तक पहुंचा देते हैं और वहीं से पिक एंड ड्रॉप का सर्विस रहता है। हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया, इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए और वहाँ कपड़े बदले,
द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ियां की मूर्तियां वहां के देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों के अंदर है। आमतौर पर दिन के समय में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि यह प्रक्रिया यहाँ उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रूप जिस दिशा में होता है झंडा उसी के विपरीत लहराता रहता है। और अब आ गई है हमारी बस मंदिर के पास और हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर जाने से पहले हमें अपने बैग, मोबाइल्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लॉकर में जमा करने होते हैं जो ठीक मंदिर के सामने ही है। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं लेकिन प्रसाद की कमी नहीं होती, ना ही व्यर्थ होता है, और मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मंदिर प्रांगण में कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए हम लोग अंदर की शूटिंग नहीं कर पाए। हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और हम जा रहे हैं पार्किंग में वापस। जगन्नाथपुरी में 20 जून को होने वाले रथ यात्रा की तैयारी बहुत ही जोर शोर से शुरू हो गई है और कारीगर रथ बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, जिसका अद्भुत दर्शन आप हमारी इस वीडियो में ही कर लीजिए। पुरी में यह रथ यात्रा का उत्सव इतिहास का सबसे पुराना है और इसकी शुरुआत 1150 में गंगा राजवंश द्वारा की गई थी। यह वह पर्व है जो पुरी की रथ यात्रा के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहीं पश्चिमी दुनिया में यह पहला भारतीय त्यौहार था जिसके बारे में विदेशी लोगों को जानकारी मिली। इस पर्व के बारे में मार्को पोलो जैसे प्रसिद्ध खोजकर्ताओं ने भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। फाइनली भीड़ बहुत ही ज्यादा थी पर हम दर्शन करके निकल चुके हैं। और ये देखिए वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम कार का नया अवतार। अभी हम लोग रुके हैं ये पंजाबी कुल्फी में, भुवनेश्वर में है ये, और यहाँ पे कुछ खा के पी के फिर हम लोग आगे निकलेंगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे रांची से होते हुए घाटों तक के लिए। क्या ये जंबो प्रॉन्स? जंबो प्रॉन्स, एक मिनट, जंबो प्रॉन्स है, ये टाइगर प्रॉन्स है। अच्छा, किन्नी सोहनी तू लगदी ए, बड़ी सोहनी तू लगदी ए, मेरी गल मन कुड़िए, तू ता मेरे नाल ही फब दिए, मेरी गल मन कुड़िए, तू ता मेरे नाल ही फब दिए। बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता है कि अपनी गाड़ी में पीछे बैठने को मिले। आज अभी रत्नेश ड्राइव कर रहे हैं,
शालिनी आगे बैठी हुई है और हम दोनों लोग पीछे आराम से पैर वैर फैला के फोल्ड करके आराम से बैठे हुए। तुम्हारा तो पैर ऐसे भी पूरा लंबा चल जाता है, बेड बना लेते। हम लोग अभी रांची के पास पहुंच गए हैं जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट परसों। हम लोग जो रेस्टोरेंट में रुके थे, ढाबा है ये माँ ढाबा, उसी ढाबे पे फिर से हम लोग आ गए और यहां पे डिनर करके अब यहां से 30 से 40 किलोमीटर है रांची, और फिर हम लोग रांची पहुंच जाएंगे। वहां पे बाकी इन लोग को ड्रॉप करके हम लोग फिर अपना घर चले जाएंगे घाटों। बाय, मिलते हैं फिर। अब इस शानदार इमीडिएट और अनप्लान्ड ट्रिप का एंड करते हुए हम अपने घर तक पहुंच गए हैं। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।